हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक्स हिंदी, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। सो गाइस, आई नो वेकेशन के से आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और थोड़ा सा ऐसे ही लेट बैक सा हो गया। सो यस, टुडे आई एम पम्प्ड अप एंड हियर इज अ न्यू वीडियो। सो गाइस, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई एंड आई एम श्योर आप लोग जा रहे हैं ट्रिप्स पे। तो आज मैं आपको बताती हूँ समर वेकेशन एसेंशियल्स, स्पेशली फैशन एसेंशियल्स, जो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ ट्रिप्स आफ्टर कोविड। तो मुझे ऐसा लगता है फैशन के कुछ एसेंशियल्स हैं जो अगर आप यू नो ले जाएँ अपने साथ ट्रिप्स पे, तो आपका बहुत कम में जो काम है वो अच्छे से चल जाता है एंड यू लुक रियली स्टाइलिश इन फोटोज एंड एवरीथिंग, एंड आपकी यू नो फैशन एसेंशियल्स तो पूरी हो जाएंगी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। ऑल्सो क्योंकि ये समर टाइम है तो आई एम श्योर आप लोग हिल्स की साइड जा रहे होंगे, कोल्ड साइड जा रहे होंगे, क्योंकि अभी गर्मी में बीचेस में कोई नहीं जाएगा। सो अगर आपको बीच वेकेशन काइंड ऑफ फैशन टिप्स चाहिए, तो मैंने एक और वीडियो बनाया था, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ मैंने ड्रेसेज एंड एवरीथिंग दिखाई थी। सो यू कैन चेक दैट आउट। आज जो है स्पेशली समर स्पेशल है, जहाँ यू नो मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर कोल्ड साइड जा रहे हैं, हिल साइड जा रहे हैं, तो आपकी कुछ फैशन एसेंशियल्स जो यू नो ट्रेंडिंग है एंड कुछ क्लासिक हैं जो आपको बहुत ही काम आएंगे। सो बिना बड़बड़ के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट नंबर वन एसेंशियल्स आर लेगिंग्स एंड स्पेशली ब्लैक इन कलर, क्योंकि वो बहुत ही वर्सेटाइल होती हैं। जैसे मैंने भी अपनी लेटेस्ट ट्रिप में इस टाइप की लेगिंग्स पहनी थी। एंड गाइस, जो कॉटन वाली लेगिंग्स होती है ना, वो मत पहनना, बिकॉज वेकेशन में क्या होता है, अगर वो कुर्ती के साथ जो लेगिंग्स आती है वो पहनोगे विद टॉप्स ना, तो आप बैठोगे उठोगे तो वो घुटने के साइड से ना निकल जाता है, मतलब शेप बन जाती है। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इस तरह की एक्सरसाइजिंग लेगिंग्स लिए, जो थोड़ी सी थिक होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं, वो बैठो उठो तो भी शेप एकदम मेंटेन्ड होता है। तो मेरे पास है दीज लेगिंग्स जो मुझे ब्लिस क्लब ने भेजी थी, बट कोई ज़रूरी नहीं आप ये लें, मिंत्रा पे, H&M पे बहुत अच्छे जो है लेगिंग्स, एक्सरसाइजिंग लेगिंग्स हैं। और कहाँ मिलेंगी आपको, ज़िवामे पे मिलेंगी, क्लोविया पे मिलेंगी, एक्टिव वेयर जो सेक्शन है उसमें आप जाएंगे तो आपको एक्सरसाइजिंग ब्लैक लेगिंग्स मिल जाएगी, बहुत ही सुपर अफोर्डेबल रेट्स पे भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सो चेकआउट अमेजोन, चेकआउट मिंत्रा एंड चेकआउट all these places। So black leggings इसलिए because इसको आप long tops के साथ पहन सकते हैं, आप thigh length कुर्तीज के साथ पहन सकते हैं, ज़्यादा ठंडे ऊपर जैकेट ले सकते हैं, कम ठंडे तो you know ऐसे ही पहन सकते हैं। स्पेशली ऑन द गो जब मैं बाय कार जाती हूँ ना, तो मुझे लेगिंग्स विद टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आई वेयर दैम विद शूज़ एंड एवरीथिंग। तो इसको बहुत वेज में आप यू नो स्टाइल कर सकते हैं, ब्लैक गंदा भी नहीं होता जब आप ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए अ पेयर ऑफ ब्लैक लेगिंग्स इज रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंड आर शॉर्ट्स। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा इन है आजकल, टी शर्ट्स विद शॉर्ट्स, तो फुल तो लॉन्ग लेंथ टी शर्ट्स के साथ आप शॉर्ट्स पहनिए, एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग, तो एयरपोर्ट लुक के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेंडी लुक है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो यू कैन चेक दैट आउट। आपको शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स कहीं भी मिल जाएंगे, लोकल शॉप्स पे भी, एंड ऑनलाइन आपको H&M, ज़ारा, मिंत्रा सब जगह मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। मैंने लिया था ये वाला शॉर्ट्स, दीज आर फ्रॉम H&M, जो मुझे एक स्वेट शर्ट के साथ सेट में आया था फ्रॉम H&M, तो ये मेरा साइकिलिंग शॉर्ट्स है, बट डेफिनेटली मैं इसको पहनूंगी किसी भी एयरपोर्ट लुक के लिए, बिकॉज दीज आर सुपर कंफर्टेबल, दे लुक रियली स्टाइलिश। और अगर आप शॉर्ट्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो वेयर टाइट लेगिंग्स जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, बोथ द लुक्स आर इक्वली स्टाइलिश एंड बहुत ज़्यादा यू नो दो तीन दिन आप इसी में डिफरेंट डिफरेंट टॉप्स वेयर करके आप निकाल सकते हैं। थर्ड आर टॉप्स, क्रॉप टॉप्स एंड लॉन्ग टॉप्स। अगर आपके हाई वेस्ट जीन्स ले जा रहे हैं, तो उस पर क्रॉप टॉप्स बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू ट्रैवल, या हाई वेस्ट पैंट्स। मैं अब प्रेफर करती हूँ लेगिंग्स, सो लेगिंग्स सर आई प्रेफर लॉन्ग टॉप्स, क्योंकि क्रॉप टॉप्स लेगिंग्स से ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, दे लुक गुड विद जेगिंग्स एंड जीन्स। तो टॉप्स आर एसेंशियल्स, फैशन एसेंशियल्स, एंड स्पेशली अगर आप किसी कोल्ड प्लेस पे जा रहे हैं, तो आप एक यू नो लॉन्ग फुल स्लीव स्वेटशर्ट पहन सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग थोड़ा सा थिक, डिपेंड ऑन कितनी ठंड है उस टाइप के आप टॉप्स पहन सकते हैं, बट लॉन्ग टॉप्स एंड क्रॉप टॉप्स बोथ आर फैशन एसेंशियल्स व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। जैसे मैंने अपनी जो ये वाली जो टी शर्ट है ना, इसको बहुत रगड़ा व्हेन आई वेंट टू रीसेंट वेकेशन टू मुक्तेश्वर, तो मैंने इसे जाने पे भी पहना, मैंने इसे वहाँ भी पहना, मैंने इसके ऊपर जैकेट ले लिया तो अलग लुक आ गया, इसको खाली पहन लिया विद स्लिंग बैक तो अलग लुक आ गया, तो इसको मैंने अपनी लेगिंग्स के साथ ही पहना था। तो इस तरह की लॉन्ग ढीली टी शर्ट आई लव स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग।
नेक्स्ट आर जैकेट्स एंड ओवरसाइज शर्ट्स। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत ठंडी है लेकिन हल्का सा चिली है, तो यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ, जो मैंने पहना है कॉटन शर्ट, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। तो इस टाइप के आप पॉप ऑफ कलर्स ले सकते हैं, पॉप ऑफ पिंक, पॉप ऑफ ब्लू या स्काई ब्लू, एवरीथिंग, जो भी आपको कलर पसंद हो। मुझे इस तरह के कलर्स पसंद है बिकॉज दे लुक ग्रेट इन पिक्चर्स। तो इस तरह का आप ओवरसाइज शर्ट पहन सकते हैं। इवन अब अगर आप बीच पे जा रहे हो, आप बहुत गर्मी, आप ड्रेस के ऊपर भी ओवरसाइज शर्ट पहन सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड है तो आप डेनिम जैकेट्स पहन सकते हैं, वो ओवरसाइज लीजिए। ओवरसाइज से क्या होता है कि अंदर आपने फिटेड ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर आप ओवरसाइज पहन लेना, तो ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा, यू नो, बहुत ही ज़्यादा शीक एंड क्लासी आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ट्रैवलिंग में ओवरसाइज शर्ट्स एंड जैकेट्स पहनना बहुत पसंद है। आई थिंक लुक बहुत अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है। सो ओवरसाइज डेनिम्स आर अगेन, मिंत्रा पे एक ब्रांड है जो शीन का काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है, दैट इज अर्बैनिक। आई थिंक मैंने उससे कुछ नहीं लिया है, बट उसमें काफ़ी वैसे ही आइटम्स दिखते हैं। मैंने जो डेनिम जैकेट पहनी है इस पिक्चर में, दिस इज फ्रॉम शीन, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, और ये मैं ट्रैवल में हमेशा ले जाती हूँ। तो आपको इस टाइप के ओवर साइज डेनिम जैकेट्स आपको मिंत्रा पे डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल आर स्लिंग बैग गाइस। मैं वेकेशन पे दो टाइप के बैग ले जाती हूँ, एक टोट बैग जिसमें मैं अपना मेनली सारा सामान डाल देती हूँ, और अपना कैश, स्पेशली जो छोटा मोटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आईडी कार्ड एंड एवरीथिंग आई कीप ऑन स्लिंग बैग्स, और मैं उसे ऐसे लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली अपना ये स्लिंग बैग लिया था जो मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास ऐसा ब्लैक में भी है, आई हैव समथिंग लाइक दिस इन न्यूड कलर ऑल्सो। तो मुझे अपना कैजुअल ड्रेस या जीन्स टॉप के ऊपर मैं इस तरह इसको लगा लेती हूँ, स्लिंग बैग। तो क्या होता है, बहुत सेफ भी रहता है इस तरह लगाना, वेकेशन पे बहुत कंफर्टेबल होता है, और आपके जो ना कैश वैश है वो सेफ भी रहता है, और द फोटोज़ कम आउट रियली नाइस। तो इस तरह की मुझे ट्रैवलिंग पाउचेज एंड स्लिंग बैग्स, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल एसेंशियल्स हैं, फैशन एसेंशियल्स हैं, दे ऐड टू योर लुक, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सो यू कैन बाई दीज टाइप ऑफ स्लिंग बैग एवरीवेयर, आपको अमेजोन, मिंत्रा, H&M, ज़ारा, आजियो, सब पे मिल जाएंगे इस तरह के स्लिंग बैग्स। देन ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सनग्लासेस। सनग्लासेस आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग ऑन वेकेशन, चाहे आप बीच वेकेशन पे जा रहे हो, हॉट प्लेस, कोल्ड प्लेस, एवरीवेयर आप सनग्लासेस लगाइए, तो ओवरऑल लुक आपका बहुत अच्छा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक भी है कि अगर आपने मेकअप नहीं किया है तो बस सनग्लासेस लगा लीजिए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लीजिए, एंड यू लुक ग्रेट इन पिक्चर्स। एंड जब बहुत धूप हो तो ऑफकोर्स आइज को प्रोटेक्ट करता है, तो सनग्लासेस तो कभी मत भूलिए किसी भी वेकेशन पे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर लुक लुक्स रियली स्टाइलिश व्हेन यू हैव सनग्लासेस ऑन। नेक्स्ट आर गाइज हैट्स। तो अगर आप किसी ठंडी जगह जा रहे हैं, बहुत ठंड नहीं है, तो वुलन कैप्स नहीं पहनना चाहते, तो इस तरह के जो बकेट हैट है, जो मैंने अभी रिसेंटली ली थी एंड मैंने अपनी वेकेशन पे पहनी थी, इस तरह के आप बकेट हैट्स पहन सकते हैं, गर्ल्स पे बहुत अच्छी लगती है, ओवरऑल लुक बहुत स्टाइलिश आता है। इसको आप अपनी जीन्स टॉप के साथ पहन सकते हैं, सिंपल, एंड दे लुक रियली नाइस। अगर आप किसी बीच पे जा रहे हैं तो इस तरह के आप स्ट्रॉ हैट्स पहन सकते हैं, ये मैंने गोवा से ली थी, वहाँ का कोई लोकल मार्केट था, एंड इट लुक्स रियली नाइस। तो इस तरह का आप स्ट्रॉ हैट भी पहन सकते हैं, ये स्पेशली बीच एरियाज के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन एंड हीट, एंड जब आप किसी हिली एरिया पे जा रहे हैं एंड देयर इज नो नॉट मच कोल्ड, तो आप इस तरह का बकेट हैट पहन सकते हैं, इट ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर वाइट शूज। तो जब भी मैं वेकेशन पे जाती हूँ, आई डोंट कैरी हील्स एट ऑल, बिकॉज बहुत चलना होता है, बहुत घूमना होता है, और मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं चाहती जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए। आई ऑलवेज वेयर माई वाइट शूज़, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़े से गंदे हो रहे हैं बिकॉज मैं वेकेशन से आई तो मैंने उसने धोया नहीं। सो दीज आर माई वाइट शूज़, ये बहुत ही कैजुअल एंड क्लासी है, दीज आर काइंड ऑफ अ लेदर वाइट शूज़। एक और आते हैं जो हमारे नॉर्मल एक्सरसाइजिंग वाले शूज़ होते हैं, जॉगिंग वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे इस टाइप का लुक जो मैंने आपको दिखाया है वो बहुत अच्छा लगता है, एज वेल एज दीज आर अल्ट्रा कम्फर्टेबल। तो मैंने पहले अपने वाइट शूज़ लिए थे फ्रॉम कूप्स, फिर मेरे वो ख़राब हो गए, तो मैंने ये लेटेस्टली मिंत्रा से लिए फ्रॉम दिस ब्रांड, आई थिंक ड्रेसबेरी, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, इस तरह के वाइट शूज़ आप ड्रेसेस पे भी पहन सकते हैं, आप जीन्स पे भी पहन सकते हैं, आप लेगिंग्स पे भी पहन सकते हैं, तो आप कुछ भी पहने, आपका जो लुक है वो अच्छा लगेगा विद दीज वाइट शूज़ एंड यू विल बी सुपर कंफर्टेबल। तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली आपका वेकेशन फैशन एसेंशियल है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर समर वेकेशन फैशन एसेंशियल्स, और मेकअप जो मैं आपको बताया था कि मैं वेकेशन पे क्या करती हूँ, उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस, तो क्या करना है, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकी मेक्स हिंदी, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं फन कंटेंट डालती हूँ एंड स्टोरीज, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, टू फॉलो मी देयर। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।